ज्ञान गुण सागर। सच्चे वीर है मारुति, गदा लिए है उठाए, जो भी इनको देखता वो चकित रह जाए, वो चकित रह जाए। हमसे तो आप प्रथम बार मिल रहे हैं। सत्य कहा प्रभु, प्रथम बार ही हम इतना अभिभूत हुए हैं आपको देखकर। हे महादेव, आज शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर आपने अपने बल स्वरूप इस दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। क्या सोचते हैं रक्षराज, हमें एक अदा ले जाए ना? आप ही की है। धन्यवाद। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं बताइए। कृपया आप हमें किसके अंदर जाने का मार्ग बता दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। मायावी जीवित बाहर भी आ गया। आप ठीक तो है ना? देखे तो कहीं चोट तो नहीं आई ना आपको? आपका आशीर्वाद हमारी धार है माता, हमें कुछ नहीं हो सकता। महादेव की असीम कृपा है आप पर। सत्य कहा स्वामी, आज स्वयं महादेव ने हमारे पुत्र के प्राण बचाए हैं, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्राप करके शक्तिशाली बन गया है, और एक और हम हैं जो बैलों की प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि बन के जा रहे हैं। महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मेरे पास एक उपाय है। जी महाराज, उस विशाल विभाजक दीवाल के पीछे एक महाराक्षस है जिसका नाम है दुदुम्भी। तुम्हारे भीतर कोई दिव्य शक्ति तो नहीं आ गई है? ये शक्ति हमारी नहीं, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की है। हमारे परम शत्रु, आज तुझे बाली की कुदृष्टि छत्र छत्र करने वाली है। अरे वाह मारुति, आपने अपने मित्र के श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक कमी रह गई है माता। अच्छा? मंगलू भैये का मस्तक तिलक के बिना सोना लगता है। मैं अभी आया। एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। वज्रपाश हमारे दिव्य अस्त्र वज्र का ही एक अंश। इस पाश के बंधन से निकलना समझ लीजिए असंभव है। आप जिसे भी इस पाश में बांधेंगे उसे ऐसी यात्रा मिलेगी जैसे कि उस पर वज्रपात हुआ। हमारे प्रिय भतीजे, अब इस वज्रपाश के बंधन में आपकी अंतिम सांस पूर्ण होगी। सुनी थी वैसा तो कुछ भी नहीं दिखा।
प्रभु तो एक साधारण सा भैंसा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो तुम भी, हमें क्रोध आ रहा है स्वयं पर। कहीं तेरा क्रोध उस मेघ के समान तो नहीं जो केवल गरजता है बरसता नहीं। आ युद्ध कर बाली से और सिद्ध कर कि तू डरपोक नहीं है। करेगा जो तुझे हम कहेंगे। हाँ। कहो स्वामी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? मृत्यु, हमारे परम शत्रु की मृत्यु, जिसे तुम मारोगे हमारे लिए। जो आज्ञा स्वामी। मंगलू भैया, पेट भर कर खाइए और तृप्त हो जाइए। मदन है ना, आज आप ही का दिन है। चला भैया, मुंह मीठा करवाते हैं। क्यों, क्या हुआ? पशु मेले में जितने भी बुल हैं, सबके परीक्षण कर लिए हमने, और हमारे मंगलू भैया की टक्कर का कोई भी नहीं है। अर्थात इस प्रतियोगिता के विजेता हम हुए। और मंच पर बालिका का शीर्ष से पुरस्कार हम लेंगे। वाह मंगलू भैया वाह, अब हमसे प्रतीक्षा नहीं हो रही। इसकी गंध को स्मरण कर लेना, इसी से पहचानोगे तुम उसे। वो इस समय सुमेरु के पशु मेले में उपस्थित होगा। जाओ और हमारे परम शत्रु का अंत कर दो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति का यही एकमात्र उपाय है। दूसरे पशु भी भयभीत हो रहे माता। क्या हुआ काका, एकाएक ये सारे पशु अशांत क्यों हो गए? लगता है बिटुआ, ये पशु पक्षी को आने वाले संकट का संकेत पहले मिल जाता है। हमको तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। माता जी, आप ठीक है ना? क्षमा कीजिएगा माता, इन लोगों को हमारी आवश्यकता है। Thank you.
ये कैसा चमत्कार था? धन्य है पूज और धन्य है हमारे प्रभु श्री राम। ये कैसी अनुभूति है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी ज्वाला हमें ही भीतर भीतर फूंक देगी। तो आप हमारी बात समझ गए? हमारे जानवरों को तो बचाओ। आप यही रुकिए, हम आते हैं। हमारी प्रजा संकट में है। संकट में तो तू है बालक, हमारे सींग से तो तू बच गया, परंतु अब हमारी अग्नि शिखा से जलाकर भस्म कर देंगे तुझे। ये राक्षस दुदुम्भी और दूसरी ओर निष्पाप और निश्चल बालक मारुति, क्या होगा जब दोनों आपस में टकराएंगे? जो भीतर है वो ही बाहर होगा। दुदुम्भी अपने क्रोध का प्रदर्शन करेगा और मारुति अपनी सरलता का। फिर तो दुदुम्भी मारुति के लिए बड़ा संकट बन जाएगा प्रभु। मारुति तो इस बात से अनभिज्ञ है कि दुदुम्भी उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है। यदि मन स्थिर हो तो जो वस्तुएं चरम चक्षु नहीं देख पाते वो मन के नेत्र देख लेते हैं। भी नहीं छोड़ेंगे। वो दंड बालक दुदुम्भी को चेतावनी देता है, अब तो कुछ भी हो हम तुझे मार कर ही रहेंगे। अंतिमान कह रहे यदि इसे चल आप नहीं रोके तो हम अपने गदों उठाने के लिए विवश हो जाएंगे। उसकी आवश्यकता नहीं होगी मोर, उससे पूर्व भी तुझे यमलोक पहुंचा चुका होगा दुदुम्भी। तो ठीक है, यदि यही आपकी इच्छा है तो मारुति भी प्रस्तुत है। नहीं है और जिस पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है उस पर विलाप करके क्या लाभ? सत्य तो यह है कि आपकी माता अस्वस्थ हैं। वो कब स्वस्थ होंगी अथवा नहीं होंगी ये कोई नहीं जानता पुत्र। हम जानते हैं हमारी माता उतेंगी, अपने नेत्र खोलेंगी और हमें हंसके गले लंगा लेंगी, यही सत्य है। पुत्र मारुति, हे प्रभु श्री राम, क्या आपको इस भक्त की पीड़ा दिख? सतयोजन दूर है, पश्चिम दिशा में है वो पर्वत, परंतु भावनाओं में आके आप कोई अनुचित कार्य ना कर बैठिएगा। हम अपनी सेना भेजेंगे, वो उस दुष्ट दुदुम्भी को बेड़ियों में जकड़ कर आपके समक्ष ले आएगी। फिर आप उसे दंड दीजिएगा। काका जी, आप नहीं जानते कि आपका भतीजा क्या कर सकता है। दुदुम्भी को पकड़ेंगे भी हम और धन भी उसे देंगे। अरे मारुति मारुति, हमारी बात तो सुनिए, आप स्वयं को संकट में डाल रहे हैं। तो
ही जोखिम में छुआ समुद्र में जहाँ अपना है छुप जा। परंतु मारुति की गजर से तू नहीं बच सकता। जय श्री राम। जा भतीजे, तू अपनी माता का प्रतिशोध लेने जा देवव्रत पर्वत पर, परंतु ये तेरी अंतिम यात्रा होगी। पर तुझे वहाँ पे दुदुम्बे ही नहीं, उसके साथ स्वयं हम भी मिलेंगे। जा, जाके मिलने अपनी मृत्यु से हमारे प्रिय भतीजे। हमें भी व्यथित कर रही है देवी। तो आप अपनी माता की पीड़ा हर क्यों नहीं लेते प्रभु? माता अंजनी केवल एक माता नहीं, एक पत्नी, एक महारानी भी हैं देवी। सहस्र लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है वो। प्रतिकूल स्थिति में वो कैसे लड़ती हैं, कैसे अपना मनोबल बनाए रखती हैं, उससे सीख लेंगी आने वाली पीढ़ियां। और मारुति? मारुति को इस लीला से एक नई दृष्टि मिलेगी देवी। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम तुम्हें मारेंगे और उसके बाद सुमेरु के वासियों का अंत करेंगे और फिर तुम्हारे पिता को मारेंगे और सबसे अंत में हम तुम्हारी घायल माता को उसकी पीड़ा से मुक्त करेंगे। सावधान दुदुम्बी, तूने हमें विवश कर दिया हमारे गदा उठाने पर। तुम्हारे कारण वहाँ हमारी माता अचित पड़ी है। जब तक तुम्हें वैसी पीड़ा का अनुभव नहीं हो, हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। अब हमें किसी से कोई भय नहीं, कोई संकट नहीं। अजय है हम इस संसार का सबसे शक्तिशाली रानी। कौन हम? महाबली बाली। हमने जितना अधिक सोचा था तेरी मायावी शक्तियां उससे भी अधिक मायावी और प्रभावशाली है। ठीक है, यदि तू मायावी है तो हम भी महाबली बाली हैं। आज की इस पराजय ने हमें और भी दृढ़ निश्चित कर दिया है। मारुति, तेरी मृत्यु हमारे ही हाथों होगी। महाबली बाली के हाथों मारुति। दृश्य कितना मनोरम है। सुबह बहन प्रणाम। कपूत तमाशी नमस्कार। कितने भव्य लग रहे हैं आप सब बोलते हुए, जैसे कि सारा काज आप ही का हो। अब से चलना कूदना बंद, मारुति केवल पुल पर जाएंगे। कार्य आप ही का है। कोई स्वप्न देखा क्या? क्या देखा? बता दे कि हमें उन्नत है। नहीं,
बल्कि चिंतित हो जाएंगी। क्या? नहीं ऐसा कर पाए माता, ये किसी और ने किया होगा। कौन हो सकता है आप ही बताइए। किसी और का? हे महादेव, हम आपके कक्ष में ना दो संतरी बिठा देते हैं। नहीं नहीं माता, हमारी गदा है ना। कहीं ये गदा की दिव्य शक्ति तो नहीं? क्या हुआ माता, भूख लगी है। जलपान कर लीजिए। मारुति, ये आपको चोट कैसे लगी? पता नहीं माता, खिड़की में लग गई होगी। मारुति, मारुति, मारुति में अत्यधिक ऊर्जा है, अन्य बालकों से कहीं अधिक। इसी कारण कदाचित उनकी चंचलताएं भी बढ़ती जा रही है। ऋषि से बात करनी होगी। अब उन्हें कक्ष में बंद करके तो नहीं रख सकते ना? ठीक है देवी, हम मारुति से बात करके देखते हैं। कहाँ है वो? जगा देना। बात मानो, उस दिन जब उस दुरुम्बी से हमारे मारुति, क्या चोट लग जाएगी मित्र? खेलना कूदना बंद हो जाएगा हमारा, अगर रानी माँ को ये ज्ञात हुआ तो। राम भैया, जैसा कि आपको स्मरण होगा, हमारे पिता श्री वृक्षराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष पर आपको 5 दिन की पूजा करनी है। हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हम अपनी पूजा एकांत में करेंगे। जैसे आगे भैया। इस विधि से हमें क्षमता मिलेगी और लौटते ही सर्वप्रथम हमें उस चंचल मारुति पंख काटने। हमें विश्वास है कि हम उड़ सकते हैं। अरे संपूर्ण सृष्टि घूम चुके हैं, कहीं नहीं देखा एक वानर बालक को उड़ने का प्रयास करते हुए। बड़ी रोचक कथा है। कोई है जो ये जानकर अति हर्षित होंगे कि पक्षी दूसरी प्रजातियों को उड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, और वो हैं पक्षीराज गरुड़ स्वयं। नारायण नारायण। जाने, हो सकता है वो एक दिन वास्तव में उड़ने लगे। नारायण नारायण। उचित है मुनिवर, वो दिन जब आएगा जब वानर उड़ने लगेंगे, तब हम और आप कदाचित वृक्षों पर लटके हुए पाए जाएंगे। क्षमा करें मुनिवर, यदि आपका उपहास हो गया हो तो हम अपने कुछ गंभीर राजकार्यों पर ध्यान दें। अवश्य ही। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। हमने तो सोचा था गरुड़ राज प्रफुल्लित हो उठेंगे एक वानर बालक की ऐसी कथा सुनकर, परंतु निराश ही किया उन्होंने हमें।
श्री हरि विष्णु को सूचित किया आपने देव ऋषि? नहीं माता, हमें लगा सर्वप्रथम महादेव और आपको बताना चाहिए। स्वयं श्री हरि विष्णु के वाहन इतने विलक्षण गरुड़ राज भी अहंकार की मार से बच नहीं पाए। एक वानर उड़ेगा, इस बात ने कदाचित उनके अहम पर चोट की है। अपनी गरुड़ नगरी में। ये कहाँ है गरुड़ नगरी? जिसे और दक्षिण पश्चिम दिशा में। आशा करते हैं कि आपका ये प्रयास सफल हो। नारायण नारायण। रुको बालक, हमने आपका परिचय तो पूछा ही नहीं बालक। हम कैसे नंदन अंजनी पुत्र मारुति हैं। ये तो वही दिव्य शिशु हैं, महादेव। प्रणाम, सब कुशल मंगल। अतिथि से ऐसा बोला? ची 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 ची। महाशय, आप बता सकते हैं पक्षीराज गरुड़ के महल का मगरे कहाँ है? अपना मुख मंद दीजिए, अन्यथा मक्खी प्रवेश कर जाएगी। हाँ, अब देखे, परंतु मुख बंद कर लेंगे तो मगरे कैसे बताएंगे? धन्यवाद। एक वानर बालक गरुड़पुरी में क्या कर रहा है? आपके महाराज, पक्षीराज गरुड़ से हमें कार्य है। और क्या है वो विशेष कार्य? व्यक्तिगत है, हम आपको नहीं बता सकते। तो हम भी आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। परंतु वो प्रजा की सभा में जा रहे हैं, वहाँ जाकर हम भी उन्हें अपनी समस्या बताएंगे। प्रजा की सभा गरुड़ों के लिए है, तुम वानरों के लिए नहीं। चलो जाओ यहाँ से। क्या करें, यहाँ तो प्रवेश करना असंभव लग रहा है, तो क्या लज्जा से मरूं? ये संसार कर्म प्रधान, हमारे हाथ में कर्म का फल नहीं, केवल हमारा कर्म है। और यदि पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म करे तो फल सकारात्मक ही होगा। उचित है माता, मर कर के आपकी वाणी मारुति ने ये है थानी कि हम पक्षी राजगढ़ से मिलकर रहेंगे। वायुदेव से योग्य और कौन है इस कार्य के लिए? वायुदेव? मारुति केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं है महाराज, वो सुमेरु के पुत्र भी हैं, वानर कुल के भविष्य हैं। बुद्धि, विवेक, ऊर्जा सभी है उनमें, केवल नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इस कारण आप दोनों को वायुदेव से प्रार्थना करनी होगी कि वो मारुति का मार्गदर्शन करें। आप दिव्य दृष्टा है ऋषिवर, आपका ये उपदेश हमें उचित जान पड़ता है। हम अविलंब ही वायुदेव की पूजा का आयोजन करेंगे ताकि उनके आशीर्वाद से हमारे पुत्र का कल्याण हो। ठीक है। पकड़ो इस मायावी बालक को। अच्छा, तनिक दिखाया मैं पकड़ के। पकड़ो 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 प
वो अनुर बालक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करते उस तरफ देखते, चलो आओ। सावधान वानर, आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा तुझे बंदी बनाकर हमारे राजा महाराज गरुड़ के पास प्रस्तुत करेंगे हम। हो गया हमारा काम। ओ, इतने सारे वीर योद्धा, इनसे कैसे लड़ पाएगा वानर बालक? लो, हमने हार मान ली, ले चलिए बंदी बनाकर अपने महाराज के पास। ओ वायुदेवाय नमः। महाराज केसरी, देवी अंजनी, यज्ञ संपन्न हुआ। अब आप दोनों वायुदेव के सामने अपनी प्रार्थना रख सकते हैं। हे वायुदेव, कृपया हमारे पुत्र का मार्गदर्शन कीजिए, ताकि उनका हर कदम धर्म और सत्य की ओर हो। हमारे पुत्र को शक्ति देना प्रभु, ताकि वो मार्ग में आने वाली हर कठिनाई का सामना कर सके। यदि उस दिन बिना सीखे बिना किसी गुरु के उड़े थे तो आज क्यों नहीं? हम ये सिद्ध कर देंगे कि गरुड़ की सहायता के बिना ये वानर उड़ सकता है। वास्तव में वैसा ही है जैसे अपने स्वप्न में देखा है। आप कितने भाग्यशाली हैं वायुदेव, आप तो उड़कर कहीं भी जा सकते हैं।